नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी PS2 यानी पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2 मूवी आज रिलीज के पूरे 10 दिन कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर PS2 मूवी के 10 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस और मूवी भीरूपक्षा दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 17 दिन कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर सेंगिस और भीरूपक्षा मूवी के 17 दिनों के भी टोटल कलेक्शन बताएंगे। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले अगर बात करें PS2 यानी पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2 मूवी के बारे में, तो दोस्तों PS2 मूवी ने अपने पहले हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 129 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए दूसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 8वें दिन पे जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 50 लाख रुपए, अपने 9वें दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 8 करोड़ 33 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 10वें दिन यानी दोस्तों आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण कलेक्शन के मामले में अगेन बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं। आज जो कमाई होने लगे हैं इस मूवी के पूरे 9 करोड़ का, और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 10 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 151 करोड़ 83 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी के 10 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 180 करोड़। और इन 10 दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे लगभग 140 करोड़ का। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने अपने 10 दिनों में टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 180 करोड़, वही दोस्तों मूवी ने 10 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 140 करोड़। यानी PS2 मूवी ने अपने इन शुरुआती 10 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 320 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है PS2 मूवी के 10 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन जो की हुई है पूरे 320 यानी 320 करोड़। और इसी के साथ दोस्तों मूवी हो चुकी है ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे अगर बात करें सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस के बारे में, तो दोस्तों सेंगिस मूवी ऑलरेडी सुपर हिट हुई है और ब्लॉकबस्टर होने के लिए पूरी तरह से रेडी भी है। आपको बताते चले कि सेंगिस मूवी अपने तीसरे हफ्ते पे भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करने लगे है। अच्छा, मूवी के टोटल बजट थे पूरे 5 करोड़, और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों सेंगिस मूवी ने अपने पहले हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 45 लाख रुपए, और मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते में नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 42 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 15वें दिन पे जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 15 लाख, अपने 16वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 17 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 17वें दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण कलेक्शन के मामले में अगेन थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं, और सेंगिस मूवी आज स्पेशली नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 20 लाख रुपए का। और इसके साथ दोस्तों सेंगिस मूवी के 17 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 5 करोड़ 39 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी के 17 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 6 करोड़ 50 लाख का। जबकि दोस्तों ये मूवी ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर रिलीज नहीं हुई थी। तो दोस्तों यही है सेंगिस मूवी के 17 दिनों के टोटल नेशन वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 6 करोड़ 50 लाख का। जी हाँ दोस्तों, यही है। अगेन बताना चाहूंगा सेंगिस मूवी के 17 दिनों के टोटल नेशन वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 6 करोड़ 50 लाख। यहाँ पे अगर बात करें मूवी भीरूपक्षा के बारे में, तो दोस्तों भीरूपक्षा एक ब्लॉक बस्टर मूवी है। इस मूवी के टोटल बजट थे पूरे 20 करोड़, और इस मूवी के वर्ल्ड वाइड थिएटरिकल राइट्स बिके थे पूरे 25 यानी 25 करोड़ में। यानी इस मूवी को हिट होने के लिए 26 करोड़ के ऊपर कलेक्शन चाहिए था। लेकिन कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी रिलीज कैसे तो आज पूरे 17 दिन कंप्लीट हुई है, लेकिन उससे पहले इस मूवी ने शुरुआती 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 82 करोड़ 30 लाख की। जी हाँ दोस्तों, 82 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन मूवी ने 13 दिनों में कर लिया था। उसके बाद भी इस मूवी के कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग अनस्टॉपेबल। जी हाँ दोस्तों, मूवी ने अपने 14वें दिन पे जो नेट कलेक्शन नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ 90 लाख का, अपने 15वें दिन पे वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 10 लाख का, और अपने 16वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन कर लिया
कमाया था पूरे 3 करोड़ का। बात की जाए दोस्तों मूवी के 17वें दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण कलेक्शन के मामले में अगेन थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं और आज जो कमाई होने लगे हैं इंडिया नेट कलेक्शन के साथ साथ ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ के वर्ल्ड वाइडली पूरे 3 करोड़ 70 लाख का। और इसी के साथ अगर मूवी के 17 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ा जाए तो दोस्तों सही धर्म तेज स्टार मूवी वीरूपक्षा के 17 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 95 करोड़। जी हाँ दोस्तों वीरूपक्षा मूवी ने अपने 17 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 95 करोड़ का और मूवी हो चुकी है ब्लॉकबस्टर और बहुत जल्द ये मूवी 100 करोड़ के कलेक्शन भी यानी 100 करोड़ के क्लब भी पार कर लेगी। आपसे उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, टेक केयर, बाय दोस्तों।